9 अक्टूबर को रांची के JSEA स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो खेले जाने वाली एक दिवसीय मैच है उसके लिए आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं ये पहले भारत टीम निकल रही है और देखिए लगातार टीम के जो मेंबर है वो निकलते जा रहे हैं। हालांकि कुछ नए प्लेयर्स भी हैं लेकिन आप जो कह सकते हैं कि जिन्हें देखने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, वो रोहित शर्मा, वो तो यहाँ मौजूद नहीं, लेकिन शिखर धवन यहाँ पर मौजूद हैं। देख सकते हैं शिखर धवन दर्शकों का हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बताएं कि रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जहां पे इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां पे तकरीबन 3 घंटे से जो खेल प्रेमी हैं वो दोनों टीम के जो प्लेयर्स थे उन्हें देखने के लिए, उनकी अगवानी के लिए यहां पर और भारी सुरक्षा के बीच रांची के ये बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से दोनों टीम की प्लेयर्स को आप देख सकते हैं, ये बड़े बड़े जो वॉल्वो बस है इसमें बैठा कर भारी सुरक्षा के बीच इन्हें रांची के मेन रोड स्थित रेडिसन ब्लू होटल ले जाया गया। रेडिसन ब्लू होटल में ही जो दोनों टीम के प्लेयर हैं वो ठहरेंगे। 115 कमरे हैं जो दोनों टीम के प्लेयर्स और इनके जो क्रू मेंबर हैं उनके लिए बुक किए गए हैं। और आप देख सकते हैं ये जो बस निकल रही है दोनों टीम के जो प्लेयर्स की बस है ये हाथ हिलाते हुए सबसे पहले ये निकल रही है साउथ अफ्रीका की बस, इसके पीछे जो है वो है भारत की बस और अगली ही सीट पर बैठे हुए हैं शिखर धवन। देखिए अब बस के जाने का सिलसिला अभी जारी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिरसा मुंडा एयरपोर्ट और यहाँ से लेकर के मेन रोड का जो ये रेडिसन ब्लू होटल वहाँ तक भारी सुरक्षा तैनात की गई है, बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती, तकरीबन 1000 की संख्या में सुरक्षा बल हैं जो प्लेयर्स को लेकर विधि व्यवस्था और ट्रैफिक को देखेंगे, प्लेयर्स को किसी तरीके का दिक्कत ना हो, क्रू मेम्बर्स को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए कह सकते हैं कि खास तौर पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। हालांकि थोड़ी सी मौसम को लेकर के एक असमंजस की स्थिति है, खेल प्रेमी के बीच थोड़ी सी निराशा है, लेकिन जैसा मौसम विभाग से जुड़े हुए लोगों ने कहा कि बारिश तो होगी, अभी भी जो मौसम है रांची का वो भी बारिश हो रही थी थोड़ी देर पहले, हालाँकि अभी बारिश रुकी है। ये कहा गया है कि 8, 9, 10 तारीख को बारिश होगी लेकिन मैच पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। कल दोनों टीमें रेडिसन ब्लू होटल से निकलकर JSEA स्टेडियम पहुंचेगी। पहली टीम दक्षिण अफ्रीका की जो होगी वो 1 बजे वहां पर प्रैक्टिस करेगी, नेट प्रैक्टिस, उसके बाद शाम के 4-5 बजे के बीच में भारतीय टीम प्रैक्टिस करेगी। 9 अक्टूबर को जब यह मुकाबला होगा तब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पहला ODI जो था उसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा। रांची में उम्मीद करते हैं कि भारत को जीत मिले। देशवा न्यूज़ के लिए रांची से मैं अशोक कुमार। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज़ का मकसद नहीं, देशवा न्यूज़ की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज़ पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।